नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाय्यारं नमो वज्जायारं नमो नुये सवसाहूनं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टसप्रकाशकम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याद्दर्पणाय ते मंगलमय मंगल करीतराग विज्ञान नमः पाहियाते वै अरहंतादि महान ओम नमः। कषायों का उत्पन्न होना दुख है, पुण्य के उदय में कषायों की पूर्ति हो जाने पर यह जीव सुखी जैसा मान लेता है। इस विवक्षा से कहें तो कषायों की पूर्ति इंद्रिय सुख और कषायों का अभाव वास्तविक सुख परमार्थ सुख है। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आए बिना ये जीव इंद्रिय सुख को सुख मानता है, इसलिए कषायों के अभाव के लिए तो ये सोचता ही नहीं है, कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता भगवान हमारी इन कषायों का इच्छाओं का अभाव हो। कभी स्वाध्याय करते हुए समाय करते हुए ये भावना नहीं भाता कि हमारी इच्छाओं का इन कषायों का अभाव हो। ऊपर ऊपर से रागादिक दोष हरि जी लिखा है तो बांच लेता है, होश कुछ नहीं। उसने एक चर्चा की थी, ऐसे मोही प्राणी को अमर फल भी मिल जाए तो कषायों की पूर्ति के लिए सुहा कर देता है। गुरु के पास जाएगा तो कषाय की पूर्ति के लिए, हमारी इच्छा के अनुसार पूजा करेगा तो कषायों की पूर्ति के लिए। बाह्य उपायों में लगता है कषायों की पूर्ति के लिए, और शास्त्र पढ़ा सुना है कि भैया कषायों की पूर्ति पुण्य के उदय से होती है, तो पुण्य करता है तो कषायों की पूर्ति के लिए। ये विडम्बना है, ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना। कभी भगवान के पास गुरु के पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मत जाना जी। इच्छा का अभाव करने के लिए इच्छा की उत्पत्ति तो दोष है, उस दोष का तो प्रतिक्रमण हो। इसी प्रकार समझ लेना, बाह्य पदार्थों को कैसे हैं बाह्य पदार्थ। श्रावकाचार्य जी की टीका में से बोले, जो अपने स्वरूप को भुलाने वाले विषयों में उलझाने वाले कषायों को बढ़ाने वाले और दुर्गति में ले जाने वाले। परम पुराण जी की में एक चर्चा आई, ये विषयाशक्त जीव है। हम ऐसा मानते हैं वे अविवेकी है, निर्दय है और क्रूर है, कठोर चित्त। अविवेकी निर्दय और कठोर चित्त वाले हैं। एक आदमी की गुलामी करने वाले नौकरी करने वाले को गुलाम मानता है, नौकर मानता है। पंच इंद्रियों की गुलामी करने वाले
करता हुआ जीव अपने को मालिक माने बैठा है। मुंडाज ने यही तो कहा था सिकंदर की ने जब बुलाया तो, अरे क्या सिकंदर की तुम बात करते हो, वो तो हमारे गुलामों का गुलाम है। सिकंदर भी आकर, सिकंदर था जब आया, उसने ये प्रश्न पूछा, महाराज आपने गुलामों का गुलाम क्यों कहा? तो देखो तुम क्रोध के वशीभूत होते हो, क्रोध को हमने बस में कर लिया है। तुम मान के वशीभूत होते हो, मान को हमने बस में किया है। तुम इच्छाओं के बस में होते हो, इच्छाओं को हमने बस में किया है। तुम लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर के भटक रहे हो, इन लोभ और तृष्णा को इच्छाओं को हमने बस में किया है। इंद्रियों के बस में होते हो, इंद्रियों को हमने बस में किया है। बोलो गुलाम के गुलाम हो के नहीं? महाराज सत्य है, सत्य देखता रह रहा है। जैसे परिग्रह और भोग उनको ज्ञानियों ने छोड़ दिया है, उन्हें हम अंगीकार करते हैं। जैसे मनुष्य का कि बमन को कुत्ता, जैसे नर की बमन को स्वान स्वाद सो खार। ऊपर की लाइन याद है, संतन जो माया तजी मूल रहे लपटा, जैसे नर की बमन को स्वान स्वाद सो खार। जैसे मनुष्य की बमन को कुत्ता बड़े स्वाद से चाटता है, खाता है, ऐसे संतों ने जिन भोगों को परिग्रह को छोड़ा है, उन भोगों को और परिग्रह को इंद्रिय सत्य अज्ञानी जीव अपने बड़प्पन मान करके नहीं खा। विषयों में सुख बुद्धि छूटे बिना विषय छूटना संभव नहीं है। पाप के उदय में छूट भी जाए, पुण्य का उदय न रहने पर छूट जाए, तो उससे कोई लाभ भी नहीं है। लाभ तो ये है धर्म बुद्धि पूर्वक इन्हें छोड़ करके धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लगा जाए। वह त्याग अंतरंग त्याग के लिए है, अंतरंग के त्याग के बिना बहिरंग का त्याग कार्यकारी नहीं होता। तीन बातों को यहाँ इसी प्रकार सीता के प्रसंग में जो अभी सुन रहे थे घटा लेना। बोलो भाई, यदि जो बाह्य पदार्थों को देख करके प्रसन्न होता है वह पाप बांधता, महापाप बांधता। आप देखो आपको भी प्रसन्नता हंसी आती है, प्रसन्नता होती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुकूल जो कोई आ जाए तो देखो कैसी चेहरा खिल जाएगा। इधर उधर की बातें करेंगे, उनके प्रति सबरी बुद्धि लगेगी, सेवा सत्कार आदर पूर्ण बैठ कर के घंटों बैठे बातें करते रहे, पाप भाव रौद्र ध्यान। जो अपने को भुलाने वाले बाह्य परिग्रह भोगों को देख करके प्रसन्नता होती है वो रौद्र ध्यान। कोई दृष्टांत बताओ, अंधेरे में अचानक बिजली आया, वाह बिजली आ गई, बिजली आ गई छोटा। गर्मी में पानी बरस जाए, अपने जीवन में घटने वाले देखो कैसे होते, आज तो अच्छा पानी बरस गया, ठंडा था, मजा आ गया। कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया भैया? अभी तुमने तत्व का भी विचार नहीं किया और मजा आ गया। बढ़िया भोजन मिला, आज तो आनंद आ गया। ऐसा बढ़िया गाना था, ऐसी बढ़िया कहानी थी, ऐसी बढ़िया वो स्टोरी थी, फलाना था, यानी क्या हम वहां गए थे, ऐसी बढ़िया बिल्डिंग थी। ये सब पाप भाव रौद्र ध्यान है। शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाने वाले देव सास गुरु को देख करके तुझे प्रसन्नता नहीं होती,
है, प्रसन्नता नहीं होती। अंतरंग से तेरा चेहरा खे, तेरे अंदर में उल्लास नहीं होता। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पास। सच बताओ, गाते हो प्रसंग पढ़ने पर क्या होता है? कितनी बार हम आपसे कहते हैं बड़ी कष्ट होता है, ऐसा लगता ही नहीं है। आज चतुर्दशी, आज तो चलो जल्दी निपटा लेंगे काम, कौन कर दो, आज तो अपन एक आसन करेंगे और दिन भर स्वाध्याय करेंगे, आज ये कपड़े पड़े साबुन वाबुन लगाना नहीं, चलो जल्दी पूजा में पहुंचे। लगते ही नहीं आज धर्म पर्व आते हो चले जाते, धर्मात्मा लगता ही नहीं है। धर्मात्मा, अरे रे विचार करो, यहाँ भी भोगों की भिक्षा मांगोगे तो मोक्ष मार्ग की शिक्षा कहाँ ग्रहण करोगे? इतना मलिन चित्त, इतना बिल्कुल मुरझाई परिणति लेकर के कहाँ जाओगे? उस दिन कहा था ना, सम्यक दृष्टि विकलांग नहीं होता। क्यों? सम्यक तो विकलांग नहीं होता। सम्यक दृष्टि योगी नहीं होता। क्यों? सम्यक दृष्टि योग के कारण रूप पाप रूप भाव वाला नहीं होता। सम्यक दृष्टि हीन कुल में नहीं देता। क्यों? सम्यक दृष्टि हीन आचरण नहीं होता। सम्यक दृष्टि नारके में नहीं होता। क्यों? सम्यक दृष्टि बहुआरम परिग्रही नहीं होता। असीमित अनंत इच्छाएं नहीं। ये तो जैन दर्शन की बातें हैं, अब क्या कहें? दूसरे लोग भी गाते हैं, रात गमाई सोए के दिवस गमाए और खाए दिन भर, अब चाय पी ले, नाश्ता कर लो, अब ये खा लो, चाहे पान सुपारी खा लो, इलायची खा लो। अरे मुंह झूठा करने का रखने का ये बहुत पाप क्यों बात? एक नियम में सारे नियम बनाओ ना, खाया पिया मुकुल्ला किया साफ और मोर तारा, दिन भर कुछ न कुछ चबाते रहना, ये अच्छी चीज नहीं है। ये सम्यक दर्शन को नहीं, मैं सम्यक दर्शन के अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की दशाएं नहीं होती। सम्यक दृष्टि की दुर्दशा किसी के कृपा से नहीं होती, ऐसा नहीं है। उसके दुर्भाव न होने के कारण उसकी दुर्दशा नहीं होती। तो चाहे किसी को देख करके प्रसन्न हुआ तो क्या है, रौद्र और ध्यान है। और शुद्ध आत्मा को दर्शाने वाले वितरागी देव सास गुरु को प्रसन्न हुआ वह शुभ भाव है। निर्वाणी की चर्चा सुनकर के प्रसन्न नहीं हुआ अशुभ भाव है, अशुभ भाव, कठोर चित्त है, कठोर चित्त। सूर्य की किरणें आत्मानुशासन में क्या दृष्टांत दिया, कुछ याद है? सूर्य की किरणों का है, अरे उसमें कुछ और बात कही है, एक सूक्ष्म, इसलिए वो तो हम कह ही रहे थे। यद्यपि सूर्य की किरणें आताप को उत्पन्न करती है, आताप उष्णता को उत्पन्न करती है, तो भी कमलों को खिलाने वाली है। ऐसे गुरुजनों का ये उपदेश और दूसरा शब्द और ध्यान रखना, गुरुजनों की ताड़ना भव्य जीवों को, साधक जीवों को आसन में भव्य के हृदय कमल को खिलाने वाली होती है। सूर्य की किरणें दूसरों को आताप उत्पन्न करें और कमल को, ऐसे दूसरों को बुरा लगता है और इनको गुरुजनों की तारना आशीर्वाद जैसी लगती, आशीर्वचन है। बहुत कठिन है शिष्य बनना, तो बहुत कठिन है शिष्य बनना, बहुत कठिन। स्वच्छंद आजकल के युवा युवक विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन कौन ब्रह्मचर्य और संयम की साधना के लिए, कौन चक्कर में पड़े, कौन गुलामी करे? अरे रे प्रभु, सोच विपरीत है, विपरीत सोच है। विवाह का बंधन शील कहे, कुशील से बचाने वाला,
ऐसी ही अनुशासन का वर्णन। भगवंतों को देखकर जैसे प्रसन्नता नहीं होती, जिन्होंने सुनते जैसे प्रसन्नता नहीं होती है, अपनी मिथ्या प्रशंसा सुनकर की तो प्रसन्नता हो और अपने सच्चे दोस्त सुनकर की प्रसन्नता न हो, ये अपात्रता पाप भाव। ऐसा जीव कल्याण करने में समर्थ नहीं होता। ध्यान रखना, अपने कल्याण में बाधक केवल अपनी ही कथाएं हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, केवल अपनी कथाएं। इन कषायों का वर्णन काय के लिए किया है? कल्याण में बाधक जानकर मिथ्यात का वर्णन काय के लिए किया? कल्याण कर दी बाधक जानकर, पापों का वर्णन काय के लिए है? कल्याण में तेरे में बाधक जानकर। तू सोचता है ये दूसरे पदार्थ कल्याण में बाधक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, निमित्त मात्र है, कल्याण में बाधक है। आप सोचते हो पर द्रव्य का कर्ता होता है। पद्मनंदी स्वामी कहते मेरे निमित्त से कोई दुखी मत हो, कोई पीछे कमंडल लेकर सुखी हो जाए तो ले जाओ, कोई सर करके सुखी हो तो हो जाओ। तो इतना नहीं जानते कृपा निमित्त से कोई दुखी सुखी हो नहीं होता। अरे रे प्रभु, उसके लिए तो मैं मतलब कभी मुने ऐसे भाव भी बचन नहीं निकलते। हाय हाय, हमारे निमित्त से स्वाध्याय का अंतरा धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारी प्रमाद को। साहब का चार में लिखा है कि नहीं गुरु? अपने रहते अगर गुरु सेवा करने लगे तो क्या कहते? सारा संघ सेवा में सावधान हो जाता है। और कैसे कहते? हाय हाय, धिक्कार है हमारे प्रमाद को। हमारे रहते गुरु सेवा करे, धिक्कार है। कभी बोले इस प्रकार का भाव आता है? हाँ हाँ, वो कह नहीं पाते। अरे जी प्रभु, ये मायाचारी क्यों करते? सरोवर में भी घर घड़ा नहीं भरे, ऊंधा घड़ा सरोवर में भी नहीं भरता। विपरीत विचारों वाला जीव समोसरण में भी मोक्ष मार्गी नहीं होता। समोसरण में भी मोक्ष मार्गी नहीं होता, विपरीत विचार वाला है। राम को देखकर प्रसन्नता, वो परमार्थी हो गया, लोक व्यवहार का, लोक का परमार्थ। और राम से संबंधित अंगूठी, राम की समाचार लाने वाले हनुमान को देखकर के प्रसन्नता, वो व्यवहार शील का, वो भी शील का ही है। राम से दूर करने वाले जो रावण के वैभव आठवार जो कुछ भी है, उनको देखकर प्रसन्न होना वो कुशील है। ये व्यवहार और परमार्थ और पाप, इनको भेद को बड़ी प्रकार से समझना चाहिए। जब तक आंगन में नहीं आया चौकी में कैसे पहुंचेगा? इस पर तुझे बीतरा की देवगुरु धर्म के देखकर के प्रति ही प्रसन्नता नहीं है, उल्लास नहीं है, समर्पण नहीं है, तो आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी तुझे? कहीं गृहित मिथ्यात का अभाव हुए बिना अगृहित मिथ्यात मिलता है? विचार तो करो। मिथ्यात जिसका स्मरण करना चाहिए उसका विस्मरण, जिसका विस्मरण करना उसका है कि नहीं? ऐसे ही सब घटाना, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ मौन, जहाँ नहीं मौन रहना चाहिए वहाँ बोलना, जिसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए वहाँ बस बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि काठ मार गया हो, सामने डस लिया हो, और इधर उधर प्रसन्न देवी को तेरी परिणति किधर जाती? क्या शब्द लिखा? कसायों से जीव संतापवान होता है, अंतरंग में बहुत संताप होता है। कसायों का ही संताप है और कुछ नहीं। जब संताप हो, दुख हो, तो समय देना चाहिए कोई कसा।
आपको एक दृष्टांत दिया था, एक व्यक्ति गांव में गया, रिश्तेदारी होगी या कोई किसी प्रसंग में गया होगा, तो साफ से तो बढ़िया घर में भैंस और दूध रबड़ी और बढ़िया देसी घी की पूड़ी और अपने पकवान बना करके सब परोसे, सब खा पी लिया और बस माथा पकड़ बैठा। तो किसी ने पूछा उसका, जो काय का बात है, कछु नहीं चाय नहीं मिली। अरे रे प्रभु, दूध रबड़ी के रहते हुए चाय नहीं मिली है, विचार तो करो। चाय नहीं मिली। पुराने लोग कहते भैया, अगर मांगना सीखना हो तो बीड़ी तमाकू सीख ले, भिखारी बनाता है, भोगों का भिखारी, भाव भाव में भिखारी होता है, भोगों का भिखारी भाव भाव में भिखारी होता है, और भोगों से जो उदास है वह अल्पकाल में मुक्ति का पक्ष, परंतु तत्व ज्ञान के बिना नहीं। तत्व ज्ञान के बिना सच्ची उदासी आती भी नहीं, बहुत संतापवान होता। देखो होती है कि नहीं, टटोलो कैसे संतापवान हो रहे, कहीं ना कहीं कोई भीतर वासना होगी। जो दृष्टांत लेते हो उसके साथ में आधी लाइन और जोड़ा करो। चक्रवर्ती तो कह रहे हैं जिन आज्ञा मानते हैं हम, जिन आज्ञा हमारे हृदय में है, मस्तक के ऊपर है, इसलिए हम सुखी हैं। वो आत्मन तू अपनी मनवा बनवा करके सुखी होना चाहता है, ऐसे अपने को संबोधन करो बैठ करके। चक्रवर्ती तो कहते हैं कि हम क्या कहें, सब भगवान सब हमारी ओर झुकते हैं, इसलिए हम सुखी नहीं। हमारा माथा जिनेंद्र भगवान के निर्गंध मुंडाजों के चरणों में झुकता है, तब हमें जैसा आनंद आता है। 32,000 मुकुटवध राजा हमारे चरणों में नमस्कार करें तो वैसा आनंद नहीं होता। वो आत्मा तू दुनिया को झुका झुका करके देखो, अपनी टेक रखाई, देखो झुका लिया हमने। अरे रे प्रभु, ये कोई बड़प्पन की बात नहीं, ये कलंक की बात, कलंक की बात। झुकना मनवाना कलंक है, झुकना मानना कहां झुकना, कहां मानना। हाँ, चाहे कहीं झुकना नहीं, ग्रहित मिथ्यात हो जाएगा। बिना नाम का तप भी है और बिना पात्रता भी है और बिना मिथ्यात भी है, जहाँ झुकना चाहिए। मिथ्यात में जैसा है तैसा नहीं मानता, जैसा नहीं जैसा तैसा क्या होता है, सर्वनाम की जगह संज्ञा लगा। जिससे डरना चाहिए उससे डरता नहीं, और जिससे डरना नहीं चाहिए वहाँ डरता है। जिसकी वांछा करना चाहिए उसकी वांछा नहीं करता, और जिसकी वांछा करता है वो वांछा करने लायक नहीं। ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, ये भोग संयोग मिल जाए, ये कोई वांछा करने लायक नहीं। परमात्म निज पद दीजिए, कैसी सुंदर बढ़िया बढ़िया लाइनें लिखी हैं, लेकिन फुर्सत नहीं। बस हमसे निवेदन करे कोई, हमें बड़प्पन दे, हमारे लिए मायक रख दे, तो हम भक्ति गा सकते हैं। बाद बाकी हम नहीं गाएंगे, हम अब आपने मने कर दिया, बस खत्म हो गया। और काल को मने करी कि नहीं करी, तो भक्ति की मने कर दी। भाई अपने अनुसार ही अर्थ ग्रहण मत करो। जाचू नहीं सुरवास पुने नर आज परिजन साथ जी, बुध जाच हूँ मोहि भक्ति भव भव दीजिए।
ये विद्भव प्रकार जीव तो भक्त करी हम जाचू वर्ण कदाप जीव दीन हुए राग रही तुम छाया बैठ सहज नच के नीचे हुए है फिर छाया को याचक या में सुखा हुए इसके आगे बोलो। कैसी बढ़िया लाइने हैं। जो कैसी इच्छा हो देन की दो उपकारी, हे उपकारी अगर आपको कुछ देना ही है तो क्या दे बोलो क्या दे हमें का पता। भैया काफी पेन लेकर के बैठो देखो कितना समय हमारा बेकथा में और प्रमाद में जाता है उसमें से बचाओ और भक्ति स्वाध्याय में लगाओ। क्या लिखा है बोलो जो कुछ इच्छा हो देन की तो उपकारी दो बुध ऐसी देव करूं में भक्त तिहारी। हे प्रभु हमारी ऐसी बुद्धि हो कि आपके चरणों में चित्त लगा रहे अभी क्या रहे चरणों को देख करके आनंदित होना वैराग्य भावना में लिखा है बोलो लिखा है। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमंकर मुनि वंदे ऐसे छाए हो जाएंगे ऐसे ऊपर को करेगा जैसे बनारसी दास जी के सामने दरवाजा छूटे हुए भीतर बैठ गए उन्हें अब तो ये झुकेंगे बेबीन से पान डाल के ऐसे नहीं करेगा ऐसी दशा है हमारी। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमंकर मुनि वंदे देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अले आनंदे साधु समीप विनय कर बैठो कहाँ ऐसे देख रहे यार कभी चरणों की ओर देखा कभी चरणों की ओर देख करके खड़े हुए कैसे मोक्ष मार्ग मिलेगा कैसे बोध मिलेगा। साधु समीप विनय कर बैठो चरणन में दिठे लेकिन गाने के लिए तुम कहोगे कल से बैराग भावना पार कर लेंगे बस खत्म अहंकार ही करोगे उसमें से मिलेगा क्या जी तो बता। अरे रे प्रभु ये तो हृदय के उद्गार है इन ज्ञानियों के हृदय के उद्गार है। कोई सरस हृदय वाला जीव ही इनके भाव को समझ पाएगा। उल्टा घड़ा हो फूटा घड़ा हो कहाँ भरेगा ठीक सागर में उल्टा उकड़ा छाती लावारी का विपरीतार निवेश रहे तत्वार सिद्धांत लिखा खाली तत्वार सिद्धांत नहीं विपरीतावनिवेश का क्या अर्थ बताया था बता सकते हो बोलो। हमने कहा होगा एक आध बार सब पूछ रहे भाई विपरीतावनिवेश का मतलब क्या है इच्छाओं की राग की पक्ष की पूर्ति के अभिप्राय से रहित पक्ष पोषण का अभिप्राय नहीं रखना इच्छाओं की राग की पूर्ति का अभिप्राय मत रखना यह है विपरीत अभिप्रवेश रहित स्वच्छंदता का पोषण मत करना प्रमाद का पोषण मत करना व्यवहार की क्रियाओं के द्वारा मान का पोषण मत करना। उन दोपहर को तुम पूछा था हमने कहो व्यवासी क्या नाम तत्व की चर्चा भी कर लेता प्रसंगानुसार सच्ची अच्छी और व्यवहार की क्रियाएं ये भी जरूरी है पूजा पाठ स्वाध्याय दान पुण्य अवक्ष का त्याग ये नहीं कर दी तो कैसे काम चलेगा बोलो ये भी जरूरी तो बाहरी तो ज्ञान और बाहरी ही क्रियाएं और दोनों को मिला करके मानता अपने को मोक्ष मार्ग इसका नाम है उभयवास। उभयवास का समझ गए
ज्ञानावास और क्रियावास, निश्चयावास और व्यवहारावास। मतलब तत्व की भी बहुत बढ़िया चर्चा, और मालूम है तत्व की चर्चा करेगा और फिर मान लो अपने शुद्ध भोजन करे, खान पान अपने बाजार का नहीं खाया, वक्ष भक्षण नहीं किया, अपने माला सामाया कर, और कैसे कर, ये तो भैया अपनी समझ में नहीं आता। ऊंची चर्चा तो ऊंची ऊंची करते हैं और आचरण में कुछ है नहीं। ये कहने के भीतर अभिप्राचार का देखो हमारा आचरण, ये पाप बैठा भीतर, ये अभिमान बोलता है, हाथी बेचे ये कौन बोल रहा है, ये मदिरा बोलती है, और हमने ये कर दिया, हमने ये कर लिया, क्या कौन बोल रहा है, ये अभिमान बोल रहा है तुम्हारा, तुम नहीं बोल रहे, अभिमान बोल। जो बोलता है अन्नदाता वाह कुछ मिल जाए, ये क्यों बोल रहा है, लोग बोल रहा है। वचनों में और परिणामों में निमित्त निमित्त संबंध है तो कौन बोलता है, कोई कसाय कहीं ना कहीं कसाय बोल रही, बिना कसाय के वितरागी के वचन कोई अलौकिक होते हैं, और कसायों के अभिप्राय से रहित सम्यक ज्ञानियों के वचन भी अलग प्रकार के होते हैं। वचन वही है और अभिप्राय अलग है। जैसे दृष्टांत आपको बताया था, सांख्य मत वाले ने भी नित्य कहा, बौद्ध मत वाले ने भी क्षणिक कहा, लेकिन अभिप्राय कहाँ है। तो व्यवहार में ऐसे है मानी, और लोग बस क्रियाओं क्रियाओं में लगे हैं, दो चार क्रियाएं कर ली, हमने उस दिन कहा था ऐसे मत बोला करो भैया, तो अभी तुम नहीं बोलने लायक, ऐसे दो चार क्रिया कर ली, कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसे मत बोलो। और तत्व ज्ञान कुछ है नहीं, इसके कौन बोला, हम तत्व ज्ञानी हैं जी। अरे रे प्रभु, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, और अंतरंग की स्वरूप भावना रूप क्रिया व क्रिया है, स्वरूप लीनता रूप क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया, सतरूप अहेतु ज्ञप्ति क्रिया कुछ हो सकता है, वो बोलती नहीं है, वो तो ऐसे देखा और समझ गया, अपने काम में लग गया। रायचंद जी लिखा, सुना सो समा गया, कहने के लिए भी नहीं रुका। अब इन कसायों के प्रसंग में जो यहाँ नहीं आ पाया विषय, एक और समय देना क्या, ठीक कसायों से ही कसायों का बंद होता है, वो गुस्से से क्रोध कसाय कर्म का बंद होता है, और क्रोध कर्म के उदय से क्रोध अधिक होता है, इसीलिए आपको देखो गुस्सा करने लगो धीरे धीरे आदत सी पड़ जाती, फिर बिन आप न चाहते भी गुस्सा आती, ऐसी स्थिति है, लोभ से लोभ बढ़ता है, जो लाभ बढ़ता जाता है तो लोभ बढ़ता चला जाता, अहंकार बढ़ता जाता है, तो इन एक एक कसाय से ही उस प्रकार का बंध, उस प्रकार के परिणाम उदय से उस प्रकार की कसाय, और इस संतति को तोड़ने की पहल अपने को करनी पड़ेगी, क्यों कर्म को कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ। हस्त कसाय के प्रसंग में एक और बात समझना, गरीबों का हास्य करना, अज्ञानियों की हंसी उड़ाना, किसी को कभी कोई संग में कसाया, देखो देखो काय के ज्ञानी कैसे धर्मात्मा कैसे कर रहे, अरे तुम्हें पता नहीं है अभी कर्म का तीव्र हृदय आ जाए तो तुम्हें कैसी कसा हो, तीव्र हृदय में पुरुषार्थ भी नहीं चलता। दूसरों की हंसी उड़ाने वाला जीव स्वयं हास्य कर्म को बांधता है, और उस हास्य कर्म के आदय से उदय से उसकी उस प्रकार की प्रगति पड़ जाती, समझ में आया ना। तो हास्य केवल प्रसन्नता के रूप में हास्य मत लेना, कुशी की विचित्र चेष्टाएं देख करके हंसी आती, देखो क्या देख कैसे कपड़ा पहने, देख कैसी चेष्टा कैसे चल रहा है, विचित्रताओं को देख करके भी हंसी आता, अथवा अहंकार के वशीभूत होकर के हंसी उड़ाता है दूसरों में, हंसता है, कुछ कल्पना करके हंसने लगता है, भगवान की प्रतिमा मुद्रा
हास्य रूप नहीं होती, प्रसन्नता रूप होती। प्रसन्नता अलग की है और हास्य अलग, समझ में आया ना। प्रसन्नता अलग है, हास्य अलग है। हंसी में प्रसन्नता को हम लौकिक दृष्टि से जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रसन्नता, अरे चित्त की प्रसन्नता तो पुण्यबंध का कारण है, परंतु इसको देखकर प्रसन्न होना विषय अलग है। वीतरागी और वीतरागता के संबंधित सारे उपकरणों को देखकर प्रसन्न होना, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों को देखकर प्रसन्न होना, ये स्वभाव है, पुण्य भाव है। विषयों को देखकर और विषयों के साधनों को देखकर प्रसन्न होना, ये पाप भाव है। अब आपको प्रसन्नता तो होती है, बताओ कहाँ प्रसन्नता होती, चटोलो। अभी तुम्हारे लिए मिष्ठान लिया है, रात में नहीं दिन में, आपका चेहरा कितना प्रसन्न होता है, जिनवाणी सुनते समय चेहरे पर वो भाव नहीं दिखता। अब आप समझो कैसे दिखता है, हम वो तो होती है भीतर भीतर। अरे भीतर तो वहां क्या नहीं, भीतर रह जाती, वहां कैसे ऊपर आ जाती। फिर हम आपसे कहेंगे दोषों को छिपाने की कोशिश मत करो, दोषों को तो निकालने के लिए कमर कस दो। मोह के नाश के लिए मैंने कमर कसी है, बिना कमर कसे खड़े हुए काम होते हैं? कमर कस के तैयार हो जाओ, ऐसे ढीली 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 थोड़ी हैं। कमर कस के तैयार हो जाना। तीव्र पुरुषार्थी, सम्यक पुरुषार्थी, अंतरंग पुरुषार्थी, स्वभाव सम्य पुरुषार्थ, केवल पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ तो बहुत करता है, विपरीत विपरीत झूठा उद्यम लोग करते हैं। यह हमें निश्चिन्न घासी तो कसायों के प्रसंग को अकेले में बैठ करके पढ़ना और मिलाना एक ही कसाय को, कि ये तो सब अपने में दिखते हैं, तो दिखते हैं तो कोई बात नहीं, स्वभाव में तो नहीं दिखते, स्वभाव थोड़े हैं, दिखते तो मिटा लो, क्यों स्वभाव में नहीं, स्वभाव दृष्टि से देखोगे तो नहीं दिखेंगे, और पर्याय की ओर से देखोगे तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो मिटाने का उद्यम का सोचो समझो विचारो। ओम नमः। गौर समझ सुन चेत सयाने का लग था मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन जो सम्यक नहीं होवे। जिस तम को यह सूर्य चंद्र भी जा सकते माता, तू क्षण भर में उसे मिटाती ज्योति दाता। ओ तम अनुपम ज्योति मई तू, तेरे बिन सब अंधालोक, तुही सब शोध प्रदाता, तुझसे सब मिट जाता शोक।